नमस्कार दोस्तों, क्या आपके दांत भी पीले हैं, काले हैं, या फिर ज़्यादा उनमें मैल जम गई है, और या फिर कई लोग गुटखा वगैरह बहुत खाते हैं जिसकी वजह से उनके दांत इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं कि वो किसी को दिखाने लायक भी नहीं रहते हैं, और वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करते हैं, हंसते भी नहीं हैं, जिससे कि उनके दांत किसी को दिख ना जाए और वो बहुत ज़्यादा शर्म महसूस करते हैं। तो दोस्तों, उन दांतों को साफ़ करने के लिए मैं ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ, ऐसा एक घरेलू इलाज लेकर आया हूँ जिसका कोई भी नुकसान नहीं है और आप बिल्कुल घर पर आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी वाला निशान होगा उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, चलिए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। दोस्तों, आपको सिर्फ क्या करना है, एक नींबू चाहिए, ठीक है, और काट लेना है आपको। और दोस्तों, आपको दूसरी चीज़ क्या चाहिए, आपको चाहिए नमक। नमक तो दोस्तों आपके सबके घरों में होता है, बिना नमक के कोई भी घर नहीं होता है, ठीक है। तो आपने दोस्तों क्या करना है कि इस नींबू को और इस नमक को मिक्स कर लेना है, यानी कि इसके रस को इसमें निचोड़ देना है इस प्रकार से, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। और हल्के से क्या करना है कि आप यहाँ ब्रश से कर सकते हो या फिर उंगली से भी कर सकते हो। इस प्रकार से आपने उंगली में लगाना है इसको और दांतों पे अच्छे से रगड़ना है, ठीक है। ऐसे सुबह शाम करोगे तो जो आपके दांत पीले हो गए हैं, काले हो गए हैं, या फिर गुटखा खाने की वजह से या फिर किसी और वजह से आपके दांत काले पीले देखने में बहुत भद्दे लगते हैं, तो आप उन्हें बिल्कुल साफ कर सकते हो, बिल्कुल सफ़ेद मोतियों की तरह चमकने लगेंगे आपके दांत। तो आपने ये नुस्खा बिल्कुल करना है, सुबह शाम कर सकते हो। अगर आपको सुबह शाम नहीं करना है तो आप एक टाइम भी इसे कर सकते हो। दोस्तों, इस नुस्खे को मेरे बताने का उद्देश्य ये है कि आप गुटखा वगैरह ना खाएं। जो लोग गुटखा खाते हैं उनके दांत बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। गुटखा तो शरीर को वैसे ही नुकसान पहुंचाता है, कैंसर होने का खतरा रहता है, तो और उसके साथ साथ आपके दांत भी खराब होते हैं और मुंह भी खराब होता है। तो दोस्तों, गुटखा तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। और इसको जो मैंने नुस्खा बताया है इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नुस्खा कैसा लगा है, आपने इसे घर पर बिल्कुल ट्राई करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में घंटी वाला निशान होगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।